हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हम जर्मिनेट करने वाले हैं लीची सीड को कुछ इस तरीके से। और इसको हम करेंगे जर्मिनेट दो अलग अलग तरीके से, एक तो वाटर में भी कर सकते हैं और एक वर्मी कंपोस्ट या फिर घर में बनी हुई कंपोस्ट में जर्मिनेट करेंगे। तो ये दोनों मेथड, किस तरीके से हम जर्मिनेट करेंगे और किस तरीके से इसको लगाएंगे और क्या दोनों का रिजल्ट आएगा, ये हम कोकोपीट में भी लगाएंगे, सॉइल में भी लगाएंगे, स्मॉल पॉट में भी लगाएंगे और क्यारी में भी लगा के देखेंगे और किस में क्या रिजल्ट मिलता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी कि मैं किस तरीके से यहाँ पे सीड्स को जर्मिनेट कर रही हूँ, कौन सी दो मेथड मैं फॉलो कर रही हूँ जर्मिनेट करने के लिए और किस तरीके से मैं इनको लगा रही हूँ ताकि हमें जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट मिले। तो आप बने रहिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जब भी लीची को फ्रूट्स जो है वो खाते हैं तो इसको हम दो तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। एक इसको जर्मिनेट करने का तरीका रहता है कि आप वाटर के थ्रू, और सेकंड जो मैंने इस तरीके से आप ये देख रहे हैं ये मैंने इनको वर्मी कंपोस्ट या जो हम घर में किचन वेस्ट से खाद प्रिपेयर करते हैं, यदि आप भी वो करते हैं तो उससे भी आप इनको जल्दी से जर्मिनेट कर सकते हैं। और एक जर्मिनेशन का रहता है वाटर से, मतलब आप सीड्स खाइए, इनको पानी में दो दिन के लिए डाल दीजिए और उसके बाद इसको हम अलग मेथड से जर्मिनेट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, हमने सीड्स खाई और उसके बाद खाने के बाद हम इनको जो वर्मी कंपोस्ट या जो किचन वेस्ट वाली जो कंपोस्ट है इसमें आप बस डाल दीजिए। दो हफ्ते बाद आपको कुछ, दो तीन हफ्ते बाद इस तरीके से आप देखेंगे ये जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। ये मेरी होम बेस्ड वाला जो है ना किचन कंपोस्ट है जिसमें आप देखेंगे कि मैंने डाल के रखा हुआ है जर्मिनेशन के लिए और इसमें ये जर्मिनेट हो जाती है मेरे, कुछ होती है कुछ नहीं होती है पर मैक्सिमम मेरे जो है इसमें बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं, मुझे बिल्कुल भी देखना भी नहीं पड़ा है कुछ। सिर्फ इसको मैंने अपने किचन वेस्ट के साथ डाल दिया था और बाद में ये इस तरीके से रेडी हो गए हैं। तो इनको लगाने के लिए पहले तो हम क्यारी, जो मेरी गार्डन में क्यारी है, क्यारी बनी हुई है उसमें मैं लगा रही हूँ, सॉइल में प्रॉपर जो गार्डन सॉइल है उसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया था और इसको इस तरीके से लगा के रख दिया है। सेम अब बचे हुए जो है मैं उनको अलग अलग पॉट में लगा रही हूँ, एक तो ये कुल्हड़ वाला जो मग है इसमें भी गार्डन सॉइल है जिसमें मैं इसको लगा रही हूँ, और एक जो सीड है वो मैं इसको अलग से एक प्लास्टिक के पॉट है उसमें स्मॉल पॉट में लगाऊंगी। और अब इन सबको वाटर देके हमने रख दिया है, तो ये हमने जो है रेडी कर लिया फर्स्ट। सेकंड मेथड के लिए अब हमने इसको 2 डेज़ के बाद पानी से निकाल लिया है, टिश्यू को अच्छे तरीके से रैप करना है, टिश्यू को गीला करना है थोड़ा सा ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, और एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर में इसको पैक करके दो हफ्तों के लिए आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ लाइट नहीं आए, आप किचन में कहीं भी रख सकते हैं। दो हफ्ते के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, इसमें कुछ में आप देखेंगे फंगस लगे तो ये यूज़ की नहीं रहेगी। तो इसमें सेकंड मेथड में ये प्रॉब्लम है कि आपको फंगस भी लग सकती है कुछ सीड में, तो यह दो मैंने हेल्दी सीड्स जो है वो चूज़ किए हैं और इनको मैं लगा रही हूँ कोकोपीट में। दोनों सीड्स को कोकोपीट में अच्छे तरीके से लगा देना है और उसके बाद इसको गार्डन में ऐसी जगह जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है वहाँ पे इसको रख देना है। थोड़ा सा मैंने गीला कर दिया वाटर डाल के, और ये आप देखिए रिज़ल्ट, जो हमने फर्स्ट लगाया था सीड्स जो हमने किचन वेस्ट से जर्मिनेट किया था, इसका आप रिज़ल्ट देखिए, 1 वीक का रिज़ल्ट है ये 1 वीक में। और ये जो कोकोपीट में लगाया हुआ है हमने जो वाटर से जर्मिनेट किया था अलग से, इसके भी आप देखिए 1 वीक और 2 वीक के जो रिज़ल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 वीक का रिज़ल्ट है। दोनों जो सीड्स लगाए थे दोनों में अच्छा जर्मिनेशन हो गया है, प्लांट बनना स्टार्ट हो गया है। और फर्स्ट जो हमने लगाया था गार्डन सॉइल में वो भी आप देखेंगे तो 2 वीक्स में कुछ इस तरीके से हो गया है। तो ये जो दोनों काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, थोड़ी इसकी बढ़ जाएगी लेंथ, तो हम इसको फिर अलग से बड़े वाले पॉट में जो है इनको शिफ्ट करेंगे। तो आप मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको कुछ दिन बाद का भी रिज़ल्ट दिखा सकूँ कि प्लांट कितना बड़ा हुआ है। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर से नेक्स्ट 2 वीक्स वाला के बाद बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इसकी कितनी ग्रोथ है, साथ में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बिग साइज़ के पॉट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक करिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो।